मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रधानमंत्री मोदी के तर्ज पर प्रदेश में चाय पर चर्चा शुरू की है। इसी क्रम में आज उन्होंने मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ चाय पर चर्चा की। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उन्हें नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की जानकारी दी। सीएम शिवराज ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर मंत्री को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ऐसा सभी माननीय मंत्रीगणों से चाय पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज उन्होंने चाय पर चर्चा में नगरीय प्रशासन विभाग के कामों पर चर्चा की है और जो नगरीय निकाय नगरीय प्रशासन विभाग के काम हैं उनकी सारी जानकारी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से ये कहना था कि जो अभी भारत सरकार का बजट आया है उसमें जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्र के लिए बड़ा बजट प्रावधान किया गया है, उसका अपने राज्य को अधिकतम लाभ मिले उसकी कार्य योजना अभी से हम लोग बनाएं। दूसरा, स्वच्छता मिशन के लिए भी बड़ा बजट भारत सरकार ने प्रस्तावित किया है, उसमें भी हमारी कार्य योजना समय पर बन जाए जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन में मध्य प्रदेश को अधिकतम पैसा मिल सके। बाकी जो अवैध कॉलोनियों को यूटिलाइज करने का विषय है, कंपाउंडिंग को लेकर विषय है और जो बाकी चीज़ों को लेकर अधिनियम में प्रावधान करना है, उन सारे विषयों पर चर्चा हुई है और नगरीय प्रशासन विकास विभाग के माध्यम से और तेज़ी से विकास हो प्रदेश का सब पे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रत्येक नगर निगम में वहाँ का जो 5 साल का प्लान है वो पूरा प्लान खुद ही देख रहे हैं, तो एक एक विषय उनकी जानकारी में और उस सब पर हमने समीक्षा की। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।